हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खतरनाक गोस्ट राइडर मोड हम GTA 5 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हो कैसे ये आग निकाल रहा है भाई अपने मुंह से। तो ये खतरनाक मोड और डेंजरस मोड आप कैसे इंस्टॉल करोगे दोस्तों, हम इसमें आज ये सीखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को भी दोस्तों कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते पहले दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं मोड को। तो दोस्तों अपने को गोस्ट राइडर मोड इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इन 5 फोल्डर्स की जरूरत पड़ेगी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं पहले अपना स्क्रिप्टो वर्जन के फोल्डर में। इसमें इस फोल्डर के अंदर दोस्तों फर्स्ट वाली फाइल को कीजिए कॉपी और GTA 5 डायरेक्टरी में कर दीजिए पेस्ट। उसके बाद दोस्तों अपनी थर्ड नंबर फाइल है इसको कर दीजिए यहाँ से कॉपी और यहाँ से कर दीजिए पेस्ट। तो दोस्तों अपना एक फोल्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर की तरफ, ये है scripthook.net। इसकी ये सारी फाइल्स को दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके कर दीजिए GTA 5 डायरेक्ट्री में पेस्ट। तो दोस्तों ऑलरेडी थी, मैंने रिप्लेस कर दी। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे फोल्डर में एड ऑन पैड्स में। इसमें दोस्तों आप जाएंगे DLC पैक्स में। यहाँ पे दोस्तों एड ऑन पैड्स फोल्डर जो है यहाँ से पूरा आप करेंगे कॉपी। और यहाँ पे दोस्तों मॉड्स फोल्डर में अपडेट में X64 DLC पैक्स में यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ऑलरेडी है मेरा तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ से उठा के आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, ये फाइल को सेलेक्ट करके आप GTA 5 डायरेक्टरी में फिर से आइए और यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर है उसके अंदर आप कर दीजिए पेस्ट। ये देखिए मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से लेके वहाँ उठा दीजिए, सिंपल है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अपने नेटिव UI.DLL, इसको करके सेलेक्ट करके इसी स्क्रिप्ट फोल्डर में कर दीजिए पेस्ट। तो दोस्तों अपना ऑलरेडी है ये नेटिव आप देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों अभी अपना चलते हैं चौथे फोल्डर की तरफ। उसके बाद दोस्तों आपको इस यहाँ पर मिनिमाइज़ करके OpenIV ओपन करना है। OpenIV में ओपन करके दोस्तों अपने को गोस्ट राइडर मोड को इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपना दोस्तों OpenIV चालू हो गया। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना जहाँ पे अपने गोस्ट राइडर मोड को डाउनलोड किया हुआ है उस फोल्डर में जाइए। उस फोल्डर में जाती है अपने जैसे ये गोस्ट राइडर फोल्डर है, इसके अंदर दोस्तों ये फाइल है ghostwriterscript.oiv, इसे दीजिए ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल को क्लिक कीजिए, मॉड्स फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल जैसे ही करेंगे दोस्तों ये कम से कम 10 सेकंड लेगा। 10 सेकंड में दोस्तों आपका यहाँ पे ये मॉड इंस्टॉल हो जाएगा। अपना देखिए इंस्टॉलेशन सक्सीड आ गया। इसे दोस्तों फिर कीजिए क्लोज। उसके बाद एडिट मोड ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आप जाएंगे दोस्तों मॉड्स फोल्डर में अपडेट X64 DLC पैक्स एड ऑन पैड्स DLC.RPF पैड्स.RPF। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक गोस्ट राइडर मोड का ना पैड डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गोस्ट राइडर फोल्डर में ही दोस्तों यहाँ पे पैड फोल्डर था, इस पैड फोल्डर में ये चारों फाइल को दोस्तों कीजिए आप कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे दोस्तों पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट होने के बाद दोस्तों अपना पैड यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। उसके बाद दोस्तों आप फिर से अपना फोल्डर ऑन कीजिए जहाँ पे एड ऑन पैड्स आपने डाउनलोड किया था। एड ऑन पैड्स में दोस्तों आप जाएंगे अंदर, इसके अंदर जाके दोस्तों ये एड ऑन पैक्स एडिटर है, इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। ये दोस्तों ओपन करने अपने ना यहाँ पे पैड ऐड करेंगे। वो कैसे करना है ये देखिए, न्यू पैड में जाइए, यहाँ पे वही नाम लिखिए जो अपने जो फाइल कॉपी पेस्ट की थी, उस फाइल का नाम था गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल और यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद दोस्तों ऐड पैड कर दीजिए। ऐड पैड करने के बाद रीबिल्ड बटन दबाइए तो आपका पैड फाइनली इंस्टॉल हो गया। चलिए अभी चलते हैं गेम में और देखते हैं गोस्ट राइडर मोड कैसे आएगा। ये दोस्तों यहाँ पे अपना GTA 5 गेम आ चुका है। अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे गोस्ट राइडर मोड कैसे करेंगे। आप प्रेस कीजिए सिंपली Ctrl+G। जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों ये देखिए थोड़ा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे अपना आ गया, देखिए गोस्ट राइडर आ गया भाई साहब। क्या तो बढ़िया लग रहा है मोड दोस्तों, इसका मतलब लुक देखो आप, एकदम मतलब गोस्ट राइडर लग रहा है। अभी दोस्तों चलिए हम उसको बाइक बुलाते हैं। बाइक बहुत ही कूल नमूने से आएगी। आपको प्रेस करना है Ctrl+B। Ctrl+B करेंगे ये देखिए दोस्तों क्या तो बाइक आ गई, कितना कूल था दोस्तों। साउंड इफेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखो पूरी
बाइक के चारों तरफ दोस्तों आग ही आग लगी हुई है। मतलब आप जहाँ भी दोस्तों रोड पे जाएंगे ना, तो ये आग आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पीछे से भी देखो पूरी की पूरी आग ही आ रही है। मतलब जैसे मूवी में कैरेक्टर दिखाया गया ना गोस्ट राइडर, ये सेम वैसा ही कैरेक्टर इस गेम में भी काम करेगा। ओ माय गॉड, ये देखो इस कार को आग ना लग जाए। ओ संभल के संभल के। ये देखिए दोस्तों पीछे से पूरी आग की मतलब लाइन कैसे कंटिन्यू आती जा रही है। बहुत ही दोस्तों बढ़िया इफेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट है। जितने मतलब मॉड्स डाले ना, ये मतलब दोस्तों अब तक का बेस्ट मॉड है। अभी मैं दोस्तों मैं इसके आपके ना कुछ सुपर पावर्स बताता हूँ। इसके पास कुछ बहुत सारे सुपर पावर्स भी है, जैसे हमने मूवी में देखे ना गोस्ट राइडर की मूवी में, वैसे ही सुपर पावर्स इसके पास भी है। तो चलो हम यहाँ पे बीचों बीच आ गए शहर में, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कैसे होगा। एक सुपर पावर ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो अपने को माउस बटन दबाना है। देखिए जैसे माउस मैंने बटन दबाया ना, इसके मुंह से थोड़ी आग निकल रही है पूरी की पूरी। देखिए पूरी की आग कार को मतलब जला दिया इसने। कैसे हो गया, लोगों को भी जला रहा है। देखिए इस कार को भी जला देते। माय गॉड, बहुत ही कूल इफेक्ट है भाई साहब, बहुत ही मज़ा है। चलो अभी इसका दूसरा मोड चेक करते हैं। आपको दबाना है ई बटन। ई बटन में दोस्तों ये दूसरा इफेक्ट है, ये देखिए दूसरा सुपर पावर इसका फायर बॉल जिसे हम कहते हैं। फिर देखिए फायर बॉल थ्रो कर रहा है कार के ऊपर और पूरी कार की कार डिस्ट्रॉय हो रही है। ओ माय गॉड, क्या तुम इसका सुपर पावर है। चलो अभी दोस्तों इसका एक और सुपर पावर है, उसे ट्राई कर देते हैं। वो अपना मेन सुपर पावर है, हम फिर से ई बटन दबाएंगे। ये देखिए चेन वाला पावर। अभी ओ देखो भाई साहब, ये चेन के साथ कैसे कर रहा है, और सीधा कार को मतलब चेन से पकड़ के फेंक रहा है। ये देखिए मतलब हम चेन को जैसे ही कर रहे हैं ना, कार सामने आ रही है तो ब्लास्ट हो जा रही है पूरी की पूरी। और देखिए ये चेन क्या कर सकती है, मेरे ख्याल से गाड़ी को भी उठा सकती है। ओ देखो तो गाड़ी को उठाया, एक मिनट सीखना पड़ेगा ये कैसे किया। ये फिर से उठाया, एक मिनट अच्छे से ट्राई करती है गाड़ी। आई थिंक उठा के ना फेंक के हम, ओ ये को पैड को भी फेंक रहा है भाई, लोगों को भी चेन से उठा के फेंक रहा है। एक काम करते हैं, इसको उठाता हूँ और इसको उस गाड़ी के ऊपर फेंक देता हूँ। ये देखो देखिए थ्रो हो गया, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट था यार। ये देखो गाड़ी को उठा के ना मैं अभी इस गाड़ी के ऊपर फेंकता हूँ, ले गई। अरे अरे बच गई बच गई। लेकिन दोस्तों चेन से उठा के आप कहीं भी फेंक सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये मॉड ही दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। आप लोग को दोस्तों ये मॉड कैसा लगा, बहुत ही कूल मॉड है, तो प्लीज़ जल्दी से डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।